कि इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मैट्रिक वाला फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ आईटी वाला ही भर सकते हैं। अगर दोनों भर सकते हैं तो कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका एज लिमिट क्या है, क्या इसका सिलेबस है और भी चीज़ें हम बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था रेलवे ग्रुप डी के ऊपर, तो उसमें तो तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, जो लेवल है ये 18,000 प्लस अदर अलाउंस जो मिलता है वो मिलेगा 7th ग्रेड पे के हिसाब से, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा, मतलब सिलेक्शन का स्टेज होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो क्वालिफाई कर जाएगा उसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो रेलवे का था वो वही है, 1/3, यानी कि 3 गलत पे 1 कट जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर जो चीज़ें दिया गया है ये नॉर्मल है, सबको पता होता है। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसी किस रीजन में कितना दिया गया है, ठीक है, वो दिखा है। अहमदाबाद में टोटल 6,087, अजमेर में 860, और सॉरी अजमेर में 4,755 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है टोटल वैकेंसी, यहाँ पे आप जिस जोन में भरना चाहते हो उस जोन का आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, अदरवाइज आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं कि किस जोन में कितना वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विजुअल एक्विटी। हाँ, ये सब तो है, फिजिकली फिट होना चाहिए। और यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का मिलेगा, ठीक है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 31 साल कर दिया गया, 1/7/2018, यानी कि 1 जुलाई 2018 को आपका एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 34 साल। अगर आप SC ST से है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 36 साल। तो इस तरह से और भी देख सकते हैं, अदर जो भी है कैंडिडेट्स हुआ, जिस तरह से यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स और काजी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज कैंटीन्स, कोऑपरेट सोसाइटी जन, तो उस सबको भी जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो हमारे लिए बेसिकली जो नॉर्मली लोग होते हैं उनके लिए वो दो चीज़ें काम की होती है, OBC और SC ST। तो OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन से पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए कैंडिडेट सुझाव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड अगेंस्ट द मॉडिफाइड पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, लेकिन ये किस पोस्ट के लिए है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और जो फी है वो जनरल और OBC के लिए है 500, SC ST PW फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इस सब के लिए 250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आगे चलते हैं और देखेंगे कि क्या इसका मतलब, कौन से पोस्ट के लिए मैट्रिक वाले भर सकते हैं और कौन से पोस्ट के लिए ITI वाले भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेट उठाने की बात है, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका था। तो यहाँ पे जो है मेल को, जो मेल कैंडिडेट है उसको 35 kg का वेट उठा के 100 मीटर 2 मिनट में चलना होगा, ठीक है। हाँ, और बिना उसको नीचे रखे, ठीक है। शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस, ठीक है। और जो है दौड़ने की बात है तो 1 किलोमीटर जो है उसे दौड़ना होगा 4 मिनट 15 सेकेंड में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg वेट 100 मीटर ले जाना होगा 2 मिनट में, ठीक है। और उसको दौड़ने के लिए मिलेगा 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब तो बाद की बात है, अभी हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट पे आपको फॉर्म भरना है। अगर आप मैट्रिक पास है तो, अगर आप ITI पास है तो आप कौन सी पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। ये इन सब का ऑफिशियल वेबसाइट है, खैर इस सबसे मुझे कोई बात लेना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा पोस्ट है जो मैट्रिक वाले के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बता रहा है 10th पास प्लस और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE ग्रांटेड बाई NCVT, 10th पास प्लस ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जो पोस्ट है, जैसे कि हेल्पर, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के जो हेल्पर होंगे उसको, उसके लिए ITI होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल ट्रेन लिथिंग, तो इस सब के लिए ITI होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 से 28 नंबर पोस्ट तक के लिए आपके पास ITI का होना ज़रूरी है। 23 नंबर के बाद के पोस्ट में हम आते हैं, तो हेल्पर मेडिकल है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, तो इसमें 10th पास ही ज़रूरी है। तो हेल्पर मेडिकल है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, गेटमैन है, पोर्टर
हमाल सुपर कम पोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेटमैन पोर्टर जो था ये सब के लिए अभी भी मैट्रिक पास ही है, ठीक है। और वो टेक्निकल जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो हेल्पर है उसके लिए ITI जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पे टेक्निकल का आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट, अगर आप कौन कौन से, अगर आपने ITI किया है तो आप कौन से पोस्ट भर सकते हैं यहाँ पे है। और मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वहाँ पे वैकेंसी टेबल आप देख लीजिए, आप देखिए वैकेंसी टेबल कितना है, ठीक है। वैकेंसी टेबल में आपको मिल जाएगा पोस्ट कि आप अगर गेटमैन का पोस्ट भरना चाहते तो गेटमैन के लिए कितना पोस्ट है, ठीक है। गेटमैन के लिए पोस्ट है या नहीं है तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको मिल जाएगा सब कुछ कि कहाँ पे कितना पोस्ट है किसके लिए, ठीक है। जैसे असिस्टेंट पॉइंट्समैन ये मैट्रिक लेवल का है तो इसमें 430 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर एक जोन का देख सकते हैं किसमें कितना पोस्ट है। वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से पोस्ट आपके लिए, अगर आप मैट्रिक पास है तो, अगर आप ITI पास है तो आपके लिए कौन कौन से पोस्ट है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि हम इस चैनल पे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वीडियोज अपलोड करेंगे जो कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।